चैनल पे। आप सबको पता है कि डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इन करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस मैं डेली बेसिस पे कराती हूँ, आप सबको पता है कि मैक्सिमम टाइम जितने भी सवाल हम लोग कर चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में बैक टू बैक आए भी हैं, और इस बार भी हमारी कोशिश है कि हम उन सारे सवालों को सॉल्व कर पाएं जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसके साथ ही क्लास स्टार्ट करेंगे, और आपका पहले मैं कल का एक सवाल आपसे पूछूंगी जो मैंने आपसे पूछा था, आई होप कि आपने उसको स्टडी किया होगा, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो कोटेशन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, जो ये कहना चाहते हैं कि जीनियस यहाँ पर जो है आपका 1% होता है, टैलेंट आपका 1% होता है, लेकिन 99% आपका हार्डवर्क होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको अपना एम अचीव नहीं हो जाता है तब तक आपको आगे बढ़ते रहना है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, और कम से कम अपना बेस्ट 100% आपको देना है तब जब तक कि आप अपने एम को अचीव नहीं कर लेते हैं। और आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस और आपका राइट अप्रोच मैटर करेगा इस हार्ड वर्क में, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं उन सबका अच्छे नंबरों से जेआरएफ हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को स्कोर कर पाएं और उसके साथ साथ सिक्योर कर पाएं। तो बात करूंगी इसके साथ ही मैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो काफी ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए, और ये करंट अफेयर्स में काफी सारे बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि मैम कितने करंट अफेयर्स करेंगी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। पर मेरा कहना आपसे यही है कि करंट अफेयर से हमारा मतलब यही है कि मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स को कवर कीजिए, और अगर आप डेली बेसिस पे क्लास देख भी लेते हैं तो काफी है आपको करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा, और मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी सवाल जो मैंने कल आपको करवाया था, और आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था, जो हमारा कल 10 बजे वाला सेशन हुआ था, ना कि 8 बजे वाला। 8 बजे वाली क्लास में जो सेशन मैंने सवाल मैंने आपसे पूछा था वो दोबारा से मैं आपसे पूछूंगी जब 8 बजे वाली क्लास होगी। हेलो सुशील, मिस्टर हुसैन, इंदु, सुगंधा, अनु, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। आई होप कि आपने सवाल को देख लिया होगा, 30 सेकंड मैंने दिए हैं आपको सवाल को पढ़ने का, समझने का, जवाब देने का, और इसका जवाब मैं जल्दी ही आपको दूंगी। थोड़ा सा आप भी एनालिसिस कीजिए इस सवाल को और मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और मैं यहाँ पर बात करूंगी अनअकैडमी के ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म की, जो काफी वास्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ा रही हूँ, और आज पेपर 1 में डिस्कस करूंगी हाउ टू चूज द रिसर्च पेपर, कैसे बनाना है आपको रात के 8 बजे, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। पेपर 2 है, अभी जब क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगी। गुप्ता एम्पायर का पार्ट 2 डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जितने भी यूट्यूब पे सेशंस होते हैं इन सबकी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, सोनिया सिंह यूजीसी नेट _अकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइकॉनिक प्लस मैंने हर बार की तरह बताया है कि एक पर्सनल गाइडेंस की तरफ आपको मूव ऑन करता है, वहीं प्लस आपको लाइव टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है, टेस्ट एनालिसिस देता है। और दोनों की अच्छी बात यह है कि डाउट सॉल्विंग जो सेशंस होते हैं आपको दोनों में बखूबी मिल जाते हैं, जो कि काफी हद तक आपके राइट अप्रोच को बढ़ाने में और बनाने में मदद करते हैं। ओके रिम्पी चक्रवर्ती, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ पर SRS टर्न का कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, 6 महीने से लेकर 24 महीने तक का कोर्स एप्लीकेबल है आपको SRS टर्न के कोड के साथ, और आप आइकॉनिक और साथ में प्लस के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है, और इस कोड के साथ आप ये काफी हद तक ये इंश्योर कर पाते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज में से आपके सवाल और अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो बाहर नहीं जा रहे हैं सवालों से। और प्लस के बैचेस भी इस कोड के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे 10% का डिस्काउंट आपको एप्लीकेबल है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, और कोई ऐसी वीडियो जो पसंद नहीं है आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म है, और स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी स्पेशल क्लासेस मिस ना हो। रोज होती है शाम को 7 बजे, ऐप पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अपकमिंग में पेपर 1 पेपर 2 दोनों चल रहा है, तो ये भी आप ज्वाइन कीजिए मेरे कोड के साथ। और रिकॉर्डेड सेशंस हर बार की तरह मैं फिर से कहूंगी कि इतना भी अगर आप देख लेते हैं तो काफी है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए,
लक्ष्य एंड टारगेट बैचेस कंप्यूटर साइंस एंड यहाँ पर कॉमर्स के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस। गुड मॉर्निंग मिस्टर पटेल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, लेट्स बिगिन द सेशन एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं करंट अफेयर के सेशंस की। पहला सवाल जो मैंने अभी अभी आपसे पूछा है, ये आप देख पाएंगे, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था 207 क्वेश्चन। रेस्ट ऑफ जो 206 सवालों की सीरीज है, उन सारे के सारे सवालों को आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे, या यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे सोनिया सिंह के नाम से तो मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ 206 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी, बाकी के जो वीडियोज हो चुके हैं, और 206 सवालों की सीरीज आपको कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे नहीं करना है आपको। तो आप देख पाएंगे पहला सवाल इन्होंने आपसे पूछा है कि आपका रीजन और अजर्शन का सवाल है। रीजन आपसे ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो यूनिवर्सिटी है कम्युनिकेशन की, मेक्स एजुकेशन वाइटल एंड वाइब्रेंट, साथ में जो आपका एक सिमियोटिक नरेशन होता है डजंट लेंड इटसेल्फ क्रेडेंस टू मेक इट्स एन इफिशियंट मोड ऑफ टीचिंग। तो आपको बताना है कि क्या रीजन यहाँ पर काफी हद तक अजर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, ये आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम अगर दोनों ऑप्शंस को देखते हैं एक बार, जो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देख भी पाएंगे, तो जो आपका थ्री ऑप्शन है, आप ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो पूरी तरह से करेक्ट है, बट ऑप्शन नंबर जो बी है यानी जो हमारा अजर्शन है वो गलत हो जाएगा। वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि टीचिंग आपका काफी हद तक अप्रोप्रिएट तभी हो सकता है अगर आप बेहतर एक सिमेंटिक अप्रोच के साथ स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें काफी हद तक आपको लर्निंग बाय डूइंग के चांसेस अवेलेबल रहते हैं। और आगे बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 208 की, यहाँ से सवालों को शुरू करेंगे और आप देख पाएंगे NSQF के बारे में सवाल आपसे पूछा गया है, यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से ये सवाल आपसे पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि लेवल जो 8 आता है NSQF में, कॉम्पिटेंसी इक्विवेलेंट होती है किसके, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर होती है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बराबर होती है, अंडर ग्रेजुएट ऑनर डिग्री के बराबर होती है, या डॉक्टरल डिग्री के बराबर होती है। ओके ठीक है सुगंधा, अनु, ठीक है जी, तो देखिए यहां पर एनएसके उप से इस फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों से सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो इस शिफ्ट में सवाल क्या कह रहा था कि आपको NSQF का 10th लेवल बताना था, जो था आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको इसका राइट आंसर क्या है। 208 का मैक्सिमम का डी आ रहा है, डॉक्टरल डिग्री, आप देख सकते हैं। सुशील कह रहे हैं 3 होना चाहिए, लेट्स सी द राइट आंसर ऑन द स्क्रीन। आप देखेंगे लेवल नंबर 8 में अगर आप बात करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, तो कुल मिलाकर 10 लेवल्स होते हैं। यहाँ पर हमने ये अलग अलग असिस्टेंट इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि जो बिगनिंग ऑफ द आपके 2 से 3 लेवल्स होते हैं वहां पर हम सिर्फ एक हेल्पर की तरह काम करते हैं, उसके बाद असिस्टेंट की तरह, उसके बाद एक जनरल मैनेजर की तरह, फिर स्पेशल जो स्पेशलाइजेशन होता है जिसको आपने कहा है ऑनर्स डिग्री। और यहाँ पर जो फोरमैन कंक्रीट होता है उसमें आप लोग मैनेज करते हैं किसको, अपने पोस्ट ग्रेजुएट्स के चैप्टर्स को। तो ये है आपका लेवल नंबर 8 जिसको आप देख पा रहे हैं, जो एक्सरसाइज करता है, मैनेजमेंट करता है एंड सुपरविजन करता है किसकी, आपके काम के, आपके पढ़ाई लिखाई के। और यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलप करता है कहाँ पर, ऑनर्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। जैसे कि आपका ऑनर्स डिग्री क्या यहाँ पर बताती है, आपकी स्पेशलाइजेशन को बढ़ाती है, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। यहाँ पर लेवल 1 आपके लिए डिफाइन करता है काफी हद तक आपके जो पर्टेन्स करते हैं आप स्कूल लेवल को। लेवल 2 डिफाइन करता है आपके यहाँ पर अलग से फिर से जो आपका सेकेंडरी लेवल होता है स्कूल का। लेवल 3 यहाँ पर डिफाइन करता है फिर से आपकी लिमिटेड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। लेवल 4 यहाँ पर लर्निंग को पर्टेन करता है। लेवल 5 यहाँ पर डिप्लोमा को। 6 यहाँ पर एडवांस डिप्लोमा को। आपका लेवल 7 यहाँ पर ग्रेजुएशन को। 8 यहाँ पर ऑनर्स की डिग्री को। 9 मास्टर्स को। और यहाँ पर नंबर जो आपका लेवल नंबर 10 है डॉक्टरल डिग्री, ये सवाल आपसे पूछा गया था लेवल नंबर 10 का। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। ये आप देख पाएंगे इसका मतलब है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क,
यानी कि आपको यूथ के अंदर स्किल्स को डेवलप करना है। स्किल इंडिया जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी अभी हाल फिलहाल में आपने सुने होंगे जो काफी हद तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, ये सवाल आपसे पूछा गया था पेपर में, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब मुझे बता पाएंगे। और ये सवाल कह रहे कि तक्षशिला को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, 1917 में, 80 में, 1990 में, 2003 में। आपको अभी पता है कि दो, एक तो हमारा जो नेशनल पार्क है काजीरंगा पार्क है असम वाला, उसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया अभी हाल फिलहाल में। एक तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है हमारी। नालंदा को भी इन्होंने कर लिया है बहुत पहले ही, और साथ में हम्पी जो आपका पुराना विजयनगर था उसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, हिस्टोरिकल प्लेस है आपका, तो इसको भी साउथ इंडिया में इन्होंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। तो यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं, 209 का डी आ रहा है, 2003। अभी देख पाएंगे यूनेस्को का ये बिल्डिंग है स्क्रीन के ऊपर, तो जो डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक नेशन का, यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है, सोसाइटी है, कल्चरल साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको काफी हद तक यहाँ पर डिफाइन करता है। तो आप देख पाएंगे 1980, 1980 काफी हद तक इसका राइट आंसर माना जाता है। गुड मॉर्निंग कोमल जैन, ठीक है तपस, कोमल जैन फर्स्ट वीक को फरवरी मान के चल रहे हैं। सुशील कह रहे हैं बी था, ठीक है सुशील, वेरी गुड। सुशील ने सिर्फ दिया है जवाब, उसके बाद सुगंधा ने, बाकियों से मैं उम्मीद कर रही हूँ कि दे कैन गिव द राइट आंसर ऑन द स्क्रीन। देखिए पार्टिसिपेशन करना आपके ही फायदे की बात है, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन आप करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 210 क्वेश्चन, यानी 210, 210 सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। सिटी ऑफ कटस्टोन किसको कहा जाता है, ये काफी जो है एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, पर क्योंकि एनटीयूजीसी नेट से खास तौर पर इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, सुभाषी वेरी गुड मॉर्निंग, जयश्री गुड मॉर्निंग, कोमल मेरी क्लास रोज 10:30 बजे होती है, फिर रात को 8 बजे होती है और दोपहर को 12 बजे होती है। उस बीच में स्पेशल क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट है 7 PM है, और उसके बाद 1 बजे रोज प्लस का बैच होता है, ठीक है। 6 सेशन होते हैं मेरे डेली बेसिस पे। ओके, अच्छा जवाब है इंदु ने, बहुत तेज जवाब दिया है। 210 का कह रही है तक्षशिला होना चाहिए, वेरी गुड इंदु। अनु वेरी गुड, ए कह रही है विक्रमशिला, यानी कि दोनों लोगों को कंफ्यूजन है विक्रमशिला और यहाँ पर तक्षशिला में। वाई नॉट नालंदा, उदंतपुरी में क्या समस्या आ रही है, ये भी तो हो सकता है। आपको अगर स्क्रीन क्लियर होगी तो आप देख पा रहे होंगे, तक्षशिला यहाँ पर राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इट इज द राइट आंसर। और इंदु ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेल डन इंदु, ठीक है। तपस बी नहीं डी होगा, ठीक है। सुशील डी है, सी नहीं है। तक्षशिला, मुझे पता है कि आपको काफी ऑकवर्ड क्वेश्चन ये लग सकता है, थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल हो सकता है, बट तक्षशिला यहाँ पर राइट आंसर है आपका, ठीक है। प्रेजेंटली पाकिस्तान में है अभी आपका, और नालंदा आपका बिहार में है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। कटस्टोन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हमारी स्क्रीन क्लियर है तो आप काफी हद तक देख पाएंगे, ऊपर से जो सेटेलाइट से इसकी इमेज ली गई है, और ये जो आगे से आप स्टोन्स का कटस्टोन देख पा रहे होंगे, और ये जो एवीए वाली इमेज है, आपको काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि क्यों हम इसको सिटी ऑफ कटस्टोन बोलते हैं, ठीक है। जी, इंदु मोस्ट वेलकम। एनईपी को थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-3 सवाल आप देख पाएंगे। 211 क्वेश्चन पहला है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये कह रहे हैं कि व्हेन वर द फर्स्ट टू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस, आपकी पहली दो जो एजुकेशन पॉलिसीज थी कब इंट्रोड्यूस हुई है, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान में रहे पहली दो की बात कर रहे हैं, अभी हमारी 2020 में 29 जुलाई को हुई है हमारी एजुकेशन पॉलिसी, ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पहली दो की तो मैं पूछ ही रही हूँ आपसे, और आप मुझे बताएंगे 2020 में जो भी हाल फिलहाल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू हुई है वो कौन सी पॉलिसी है, उस पॉलिसी का नाम आप मुझे बताएंगे। 1968 से 1992 में, 86 से 1992, 68 से 86, 86 से 94, तो इसका जवाब आपको मुझे देना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है इंदु, वेल डन। कह रही है 211 का सी होगा, 68 86, वेल डन इंदु। अनु 21, 68 92 में कह रही है। ओके, एनीवन एल्स? कोशिश कीजिए, सही गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप गलत करेंगे तो दोबारा का गलत नहीं होगा। अगेन 1968 से 92 में आए हैं, 3 वोट्स आए हैं। सुगंधा, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। सिटी ऑफ कॉटस्टोन, रॉक ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला रेंडर्ड बाय ग्रीक राइटिंग एट तक्षशिला वाज फाउंडेड। ठीक है, तक्षा के शब्द से बना है, तक्ष। ठीक है निष्ठा, वेल डन, वेरी गुड, वेल पार्टिसिपेशन टू ऑल। 68 to 1986। देखिए इसका राइट आंसर, दो तीन इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देती हूँ, जो आपको सुनना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 1968 में आई है, जिसको हम बोलते हैं कोठारी कमीशन। फाइन एवरीवन। और यहीं से सवाल इस बार आया था आपका कि क्लासरूम में डेस्टिनी फॉर्म्ड इन द क्लासरूम, ये कोटेशन किसका था? कोठारी कमीशन का था। फाइन, इसी में आपका थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी आया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी, और ये कब बनी है? जब आपके इंदिरा गांधी यहां पर हमारी पीएम थी तब बनी है। 1986 की अगर बात करते हैं तो ये बनी है आपके राजीव गांधी के टाइम पे, राजीव गांधी जब आपके प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, 1986 की हम बात कर रहे थे। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि 1986 का जो आपका एनईपी आया है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तीसरी आपकी बनी है 1992 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी बनी है 29 जुलाई 2020 को बनी है एनईपी आपकी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका हाल फिलहाल में कर्नाटका ने इसको अपने स्टेट में लागू कर दिया है, और ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, यहाँ पर आपको मिल भी जाएंगी। जयश्री बाला कह रही है सी होगा, कोठारी कमीशन है। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आपकी, रिलीज हुई है 1968 में। फर्स्ट जो एनईपी है यहाँ पर, सबसे पहले पीएम जो हमारी इंदिरा गांधी उनके टाइम पे बनी है, और उसके बाद राजीव गांधी के टाइम पे बनी है, और थर्ड आपकी बनी है नरेंद्र मोदी के टाइम पे, 29 जुलाई को बनी है। 1 साल हो चुका है एनईपी को बने हुए, 1 साल से ऊपर ही हो चुका है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। आई होप कि द इन्फॉर्मेशन इज टोटली क्लियर टू यू पीपल। बिल्कुल सही कहा सुगंधा आपने, वेल अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 212 यानी 212वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द यूनियन कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ विच मिनिस्ट्री एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में चेंजेस आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे दी है? पहला है आपका स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ मिनिस्ट्री, बी कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सी MHRD है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की जहां हम बात करते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है यहां पर। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब सबको पता भी होना चाहिए कि MOE के नाम से हम इसको जानते हैं, MHRD को। तो आप देख भी पाएंगे कि जो आपकी MHRD है अब कन्वर्ट हो गई है किसमें? MOE में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एम है यहाँ पर क्या? एम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आपको देखने को मिल सकता है कि इंडिया ग्लोबल नॉलेज पावर सुपर पावर, यानी कि हमें भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में तब्दील करना है, और जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको अचीव करना है 2030 में, भारत में हरियाणा सबसे पहला ऐसा स्टेट है जिसने इसको अडॉप्ट किया है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एजुकेशन में और साथ में जेंडर इक्वालिटी के लिए हम लोग वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ओके, हाँ, 212 का सी था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 212 आपके स्क्रीन के ऊपर, जो आप देख पाएंगे, इट्स 213 आई थिंक, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। 213वां सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि व्हेन विल द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बी इंक्रीज टू 50%। आपसे ये पूछा गया है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कब तक बढ़कर 50% किया जाएगा, 25 तक, 30 तक, 35 तक या 40 तक। GER की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में कर्नाटका सबसे पहला ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा GER आपकी हाई है। ठीक है शिवम, वेरी गुड मॉर्निंग। GER सबसे ज्यादा आपकी हाई है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके और यहाँ पर जीईआर में अगर केरला की बात करते हैं तो केरला ने यहाँ पर मैक्सिमम लिटरेसी रेट को सबसे हाई करने वाला पहला स्टेट बन गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सबसे वर्स्ट कंडीशन में बिहार अभी सबसे नीचे चल रहा है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके लेट्स मूव हेड ऑन द राइट आंसर। 2035, 2030 नहीं है, ध्यान से समझिए सवाल को। आपका 2030 तक आपको क्या पूरा करना है? एसडीजी और एमडीजी पूरा करना है। ग्रॉस एनरोलमेंट, सॉरी एनरोलमेंट रेशियो है आपका वो 2035 है। आपको कम से कम 3.5 करोड़ सीट्स यहाँ पर ऐड करनी है, कहाँ? हायर एजुकेशन में, ताकि आप करंटली में ग्रॉस एनरोलमेंट जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाकर 26.3% कर पाए कम से कम। हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ मैं, टोटल नहीं। टोटल तो जी यार हमारा 27.1% है ही, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में। ठीक है, टोटल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, माइंड इट एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 214 है ये आपका, 2013 सवाल, सॉरी 213 सवाल नहीं है ये, आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। नीति आयोग एंड डैश इंडिया जॉइंटली लॉन्च द फोरम ऑफ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी नीति आयोग ने यहाँ पर कोशिश की है डीकार्बोनाइज करने का ट्रांसपोर्टेशन को। आपको पता है कि कार्बन जो आपका CO2 इमिशन होता है, काफी हद तक इसका जो धुआं या जो स्मॉग होता है हमारे हेल्थ इन्वायरमेंट के लिए काफी हद तक जो है बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं होता है, काफी हार्मफुल है, जिससे पोल्यूशन काफी हद तक बढ़ता है। CO2 को बढ़ाने में यूएस से सबसे आगे अभी लीड भी कर रहा है। नंबर 2 पे आपका चाइना है, 3 पे रशिया है, 4 पे इंडिया है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो क्योंकि इंडिया नंबर 4 पे है और वहीं जापान ने कहा है कि हम यहाँ पर 2050 तक CO2 के इमिशन को बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो आपको बताना है कि कौन ये कह रहा है। शिवम का कहना ए होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके ध्यान रहे यहाँ पर हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हम पोल्यूशन को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। और आपको ये बताना कि नीति आयोग ने जॉइंटली लॉन्च किया है, किसके साथ जुड़कर लॉन्च किया है? सुगंधा, इंदु, मैक्सिमम का ए आ रहा है, बट राइट आंसर इज वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, WRI की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ एक बार, आप देख भी पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। नीति आयोग ने यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी था आपका, ये बिल्कुल राइट आंसर है, जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलकर कोशिश की है कि हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम कम करने की कोशिश करेंगे। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 7 इफेक्टिव पिलर्स हैं यहाँ पर नीति आयोग को, जिसको हम थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, और PM इसके हेड होते हैं, ये आप सबको पता है। पीपल, प्रो पीपल है, प्रोएक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन टू ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो सबका सब आप देख पाएंगे कि ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 215 आपके स्क्रीन के ऊपर है, 215वां सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके आपको बताना है कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, यानी कि जो ट्यूबर क्लॉसिस है, उस दिन हम पढ़ रहे थे कि चाइना ने मलेरिया को टोटली जो है खत्म कर दिया है, यानी जीरो मलेरिया अचीव कर लिया है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो टीबी है यानी जो ट्यूबर क्लॉसिस होता है उसको रोकने के लिए पार्टनरशिप बोर्ड बनी है जो एस्टेब्लिश हुई है 2001 में। ठीक है, उसका चेयरपर्सन कौन कौन है? ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है, ध्यान से करना है ये सवाल आपको, क्योंकि आपका जो एमडीजी का गोल है जो कल शिवम ने डिस्कस किया था रात के 8 बजे, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे यूट्यूब पे अपना क्लास, जिसमें उन्होंने बताया कि मलेरिया, एचआईवी, एड्स जो है काफी हद तक इम्पोर्टेंट डिजीजेस में काउंट किया जाता है, अगर आपको ध्यान में है तो। आपका एमडीजी और एसडीजी का ये मेन लोगो है कि हमें टीबी को यहाँ पर, मलेरिया जो चाइना ने खत्म कर दिया है कम्प्लीटली, एचआईवी को और साथ में एड्स को कम्प्लीटली जीरो करना है इस देश में से, यानी इराडिकेट करना है। ठीक है, तो टीबी के लिए हम इसलिए जोर देकर बात कर रहे हैं, ये सवाल आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। निर्मला सीतारमण है, ध्यान में रह सकती हैं, काफी पहले अभी हाल फिलहाल में हमारी फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। जी आर चिंतालाल हैं, चिंताल है सॉरी, और शक्तिकांत दासो, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी है जिसमें हम श्री मनसुख मंडाविया की बात कर रहे हैं, तो ये आपको बताना है।
इंदु का कहना है बी, ओके। सुगंधा वर्मा ए कह रहे हैं। वेल डन सुगंधा, गुड अटेम्प्ट। श्री मनसुख मंडाविया इज द राइट आंसर। ठीक है, इनकी इमेज मैं दिखा देती हूँ एक बार, मे बी इमेज देखने के बाद। सीतारमन की तस्वीर सबने देखी है, तो ये इनकी बात हो रही है। ठीक है, मनसुख मंडाविया, ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर भी है इनकी। और हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर रहे हमारे, इन्होंने इनको अपना चेयरमैन जो है अपॉइंट किया है। अगर आपको इमेज क्लियर होगी स्क्रीन के ऊपर, तो काफी इंपॉर्टेंट है। श्री मनसुख मंडाविया की बात कर रहे हैं, SMM के नाम से आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, या MM या M² के नाम से भी याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 215 आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है सुशील, वेल डन। शिवम, जयश्री बाला है, सुगंधा, इंदु, वेल डन। अनु है यहाँ पर, निष्ठा, निष्ठा इज नॉट देयर टुडे, निष्ठा है यहाँ पे। ठीक है, तपस, कोमल जैन, सुभाश्री है। गुड टू ऑल, वेल अटेम्प्ट टू ऑल, जो लोग भी जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर 215वां है। ठीक है, सुजलम के बारे में बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहे हैं कि सुजलम, यहीं से आपको याद होना कि अच्छा, अच्छे जल की, यानी हम यहाँ पर स्वच्छ यानी कि क्लीन वाटर की बात कर रहे हैं। सुजलम क्या है? इट्स अ संस्कृत वर्ड, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा अच्छा जल, सुजलम, राइट। तो कैंपेन इज अ 100 डेज कैंपेन, अ पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, लॉन्च्ड बाय, ये किसने लॉन्च किया है? आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में आजादी का महोत्सव से काफी सारे वन बाय वन चीजें जो है लॉन्च की गई थी PMO के द्वारा। अभी फरवरी में लास्ट ईयर हमने सेलिब्रेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 वाला, जो हिस्ट्री वाले उनको पता भी होगा इसके बारे में, जो सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था गांधी जी ने साबरमती आश्रम जाते हुए, ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो उसकी एनिवर्सरी हमने हाल फिलहाल में सेलिब्रेट की फेब में। उसके बाद 15 अगस्त को NBT की तरफ से, जो नेशनल बुक ट्रस्ट आता है, काफी सारे बच्चों को ये मौका दिया गया कि वो भारत के लिए अच्छे लेख लिख सकते हैं, अमृत महोत्सव यानी कि जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर पार्टिसिपेशन किया था, तो उनकी तरफ से भी ये मौका दिया गया था। और अभी भी चल रहा है ये, अभी जो आपका आने वाला है 26 जनवरी, उसमें भी आजादी का जो महोत्सव है उसको सेलिब्रेट करने का थीम भी बनाया गया है। ठीक है, जिसको आपकी नेविगेशन जो पावर्स, जल शक्ति, पावर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, वही इसको प्रदर्शित भी करेगा, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 100 दिवस ये मनाया गया, बिल्कुल सही है सुगंधा, निष्ठा, वेल डन सुगंधा, जयश्री बाला, गुड टू ऑल। हाँ, जल शक्ति मंत्रालय है तो काफी मतलब कॉमन सा ही जवाब बन जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 100 दिवस ये मनाया जाता है। वेल अटेम्प्ट टू ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। 10 सवाल मुझे करवाने थे और मैंने आपको मोर ओवर आई थिंक 10 क्वेश्चन करा भी दिए हैं, तो इन सवालों को आप ध्यान में रख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूंगी, अभी 11:30 बजे हमारी क्लास है, तो आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। अभी 5 से 6 मिनट बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे यूट्यूब के सेशन के ऊपर, गुप्तास पार्ट 2 डिस्कस करूंगी आपके साथ। थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिया था, जो आपको MCQs डिस्कस करूंगी आपके साथ अभी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और अभी उसके बाद 1 बजे प्लस का बैच है, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑल। और उसके बाद 8 बजे आज बताऊंगी आपको हाउ टू चूज द रिसर्च पेपर, काफी इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट शार्प 8 PM। ओके शिवम, थैंक यू सो मच। सुगंधा, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एवरीवन, थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, जयश्री बाला, इंदु, सुगंधा, शिवम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इट योर फीडबैक। और कल फिर मिलेंगे वही 10:30 बजे आपको, जो रोज का टाइमिंग होता है, और 8 बजे भी मिलेंगे, तो 8 बजे भी क्लास ज्वाइन करनी है आपको। नाइस सेशन, जय श्री बाला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, आपको 206 सवालों की PDF जो अब तक मैं करवा चुकी हूँ। खैर आज तो अभी हमने 215 सवाल किए हैं, तो 215 सवालों की टोटल PDF करंट सेक्शन की बात कर रही हूँ, तो आपको कहाँ से मिलेगी? सोनिया सिंह UGC.NET_Unacademy से, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और ये 10% का डिस्काउंट एप्लीकेबल है मेरे कोड के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय कोड, एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी।
एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी द हिस्ट्री क्लास राइट नाउ आफ्टर 5 मिनट्स। यूट्यूब पे 5 मिनट बाद आप मुझे गुप्ताज एम्पायर के साथ अभी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच सुगंधा फॉर मेंशनिंग माई टेलीग्राम चैनल। द थ्री फोकस एरिया ऑफ सुजलम कैंपेन आर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मिलियन सोप पिट्स, ठीक है, टॉयलेट्स बनाने हैं एंड न्यू हाउस होल्ड बनाने हैं टॉयलेट्स के, ठीक है निष्ठा। थैंक यू सो मच निष्ठा, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी, ठीक है जी। तो सुजलम को लेकर 3 कैंपेन यहाँ पर हमारी जल शक्ति चला रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं निष्ठा के पॉइंट्स। निष्ठा थैंक यू सो मच फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके मिस्टर राधा कुमार थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी 5 मिनट बाद गुप्ताज एम्पायर के साथ। हिस्ट्री वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। थैंक यू रिम्पी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक्स टू ऑल जो लोग जुड़े हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, थैंक यू सो मच फॉर